मेरा धर्म है किसी को भी शक्ति पुंज से चाबी ना ले जाने देना। मेरी दृष्टि में तुम दोनों चोर हो और चोरी की सजा मृत्यु है। ठीक है लावा पुरुष, अगर तुम अपना धर्म निभा रहे हो तो मैं भी अपना धर्म निभाऊंगा। माफ करना। बस इस चौथी दुर्लभ कुंजी को हासिल करना है। तुम दोनों मेरे सामने साधारण जीव हो क्योंकि तुम दोनों हाड़मान से बने हो और मैं केवल अग्नि से बना हूँ। तुम्हारे प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रहार से तुम लोग भस्म हो जाओगे। यहाँ पर मैं उठ नहीं सकता, इसलिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मुझे जल्दी ही कोई योजना बनानी पड़ेगी। इसके सामने अच्छाई और बुराई की दुहाई काम नहीं आएगी बालवीर। अब तो लगता है हम इस खोलते हुए लावा में भस्म हो जाएंगे। ध्यान दिया बालवीर कि अच्छाई और बुराई की शक्ति अकेले इसका सामना नहीं कर सकती, लेकिन अगर अच्छाई और बुराई की शक्ति एक साथ मिल जाए तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। गिरपड़े जी, कभी कभी जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता। हाँ इंस्पेक्टर अंकल, हमने डस्टबिन में रिंकू को नहीं बल्कि कचरे को डाला है। अच्छा, रिंकू का नाम लेके मेरी सीटी टीवी आंखों को धोखा देने की कोशिश मत करो। वो सीटी टीवी नहीं, सीसीटीवी होता है। साइलेंस, कानून को स्पेलिंग सिखाने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ, डस्टबिन में ये डिवाइस तुम तीनों चाबी आसपास ही बता रहा है। भैंस को क्यों छुपाया? उड़ गए ना आज? सब कुछ दिखता है मेरी सिटी टीवी आंखों को। गिरपड़े जी, आप सही कह रहे हैं, है ना? Give it up. Good job. मम्मी। ये असली खुशी और करुणा को भी अभी आना था। इधर भी खुशी करो ना जी, इधर भी खुशी करो ना जी। डबल रोल ऐसे कैसे? कोई नहीं है वहां पर गिरपड़े जी, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? अरे मुझे दो दो खुशी और दो दो करो ना जी क्यों दिखाई दे रही है?
इंस्पेक्टर अंकल, कहीं आपके सीसीटीवी कैमरा में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? अरे वो सीसीटीवी होता है, दोनों कैसा दिख रही है? क्या गड़बड़ है, क्या गोलमाल, क्या है, क्या चक्कर है? आप ये टैबलेट कौन? एक मिनट, अभी पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा। अमन्या, स्टॉप अमन्या। अमन्या नहीं अंकल, अनन्या। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, अमन्या। खैर जाने दो, पहले मुझे ये बताओ क्या तुम्हें भी दो दो खुशी और दो दो करुणा जी दिख रही है, जैसे मुझे दिख रही है, एक इस तरफ और दूसरी उस तरफ? अंकल मुझे एक ही खुशी और एक ही करुणा आंटी दिखाई दे रहे हैं। क्या? लेकिन मुझे तो थोड़ी देर पहले दो दो खुशी और दो दो करुणा जी दिख रही थी। अंकल वो इसीलिए क्योंकि आपने जो ठंडाई पी है वो आपके दिमाग पे चढ़ गई है। अच्छा? कोई बात नहीं, आप ये लीजिए। ये क्या है? टैबलेट खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। पक्का? उतने? अरे अभी तो ये भी नहीं दिखाई दे रही है। ये छोटा बालवीर यहाँ क्या कर रहा है? लगता है वो तीनों चाबियां मेरे बहुत ही करीब है। माम, अगर मेरे ब्रदर ने मुझे अभी देख लिया तो समझ लो गेम ओवर। What to do now? अब तो एक ही हथकंडा बचा है आजमाने को। हैप्पी होली बेटा। माँ अगर मुझे नहाने में 2 मिनट भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो आप डर जाती हैं कि कहीं मुझे जुकाम ना हो जाए, और आप खुद ही मुझ पर ये रंग वाले पानी फेंक रही हैं। बोलो नहीं सुनो, माँ हूँ तुम्हारी, कुछ भी कर सकती हूँ। अब चलो पैर छुओ मेरे बेटा। माँ एक तो मैं सुबह से गायब था, और ये पूछने के बदले कि मैं आखिर गया कहाँ था, आप मुझे अपने पैर छूने को बोल रही हैं। माँ आपको हो क्या गया? आप ठीक तो हो ना? अब विवान, इसमें आंटी की कोई गलती नहीं है। आंटी ने मुझसे सुबह पूछा था कि तुम कहाँ हो, अभी आंटी ने ठंडाई पी रखी है ना। लेकिन अनन्या दीदी, होली में तो ठंडाई हर कोई पीता है। विवान ये वो ठंडाई नहीं है, इस ठंडाई में मोंटू ने कोई पाउडर मिक्स कर दिया जिसकी वजह से भारत अगर में सब लोगों का दिमाग पता नहीं किसी मारी को राउंड पे चला गया है। आंटी ये लीजिए, आप ये टैबलेट खाइए। इसीलिए मैं सबको ये टैबलेट्स खिला रही हूँ विवान। विवान, तुम्हें वो तीन कीज मिली कि नहीं? दीदी वो एक्चुअली तीनों चाबियों को ढूंढने के लिए शौर्य ने मुझे ये यंत्र दिया था, लेकिन माँ ने गलती से इस पर भी पानी डाल दिया। ओह नो। अब बटन है ना दीदी, इतना तो श्योर है कि वो तीनों चाबियां भारत नगर में ही हैं।
इसका मतलब शे और भैमार भी पारितगर में है। हाँ, और इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस यंत्र को ठीक करवाना होगा। तुम्हारा यंत्र ठीक होने से पहले मैं चाबी ऐसी जगह छुपाऊंगा कि उसे पूरी दुनिया के जासूस भी नहीं ढूंढ पाएंगे। वो कहावत सुनी है तुमने कि एकता में ही शक्ति होती है, इसलिए मेरा सुझाव तुम्हें यही है कि हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए ताकि हम इसे खत्म कर सकें। अच्छाई और बुराई कभी एक नहीं हो सकती तिमनासा। जैसे धूप और छाव, दिन और रात, अग्नि और जल, मौके के हिसाब से सोच बदल लेने में ही फायदा होता है बालवीर। सोचो मत, जिद मत करो बालवीर। हमारे पास वक्त नहीं है बालवीर। अच्छाई और सच्चाई की रक्षा के लिए मुझे बुराई की मदद नहीं चाहिए। ऐसा भी कौन सा आइडिया तुम्हारे दिमाग में कुक हो रहा है भैमार, जो तुमने इस होली के कुक पर ही अटैक कर दिया? बोलो नहीं, देखो मैंने जादू से चाबियों को छोटा बना दिया है। What? तुमने तीन दुर्लभ चाबियों को समोसा बना दिया? अब हम ये विवान की असली माँ करुणा को खिला देंगे, और ये तीन दुर्लभ चाबियां करुणा के शरीर में खून बनकर फैल जाएंगी। वाह! अगर मान लो उस चालाक शौर्य ने पता लगा भी लिया कि हमने ये चाबियां करुणा के खून में मिलाई हैं, तो उन्हें हासिल करने के लिए उसे करुणा की जान लेनी पड़ेगी। That's genius, Bhaymar. मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे बालवीर? चौथी कुंजी की बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें इस लावा पुरुष से ये जंग जीतनी होगी। जरा सोचो, अगर तुम अच्छाई के रक्षक इस दुनिया से चले गए तो छोटा बालवीर वो कैसे संभालेगा इस पूरी दुनिया का भार, कैसे करेगा इस पूरी दुनिया की अच्छाई? सोचा है कभी तुमने? चुप हो जाओ तिमनासा, और मुझे सोचने दो कि इस लावा पुरुष के पेट से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। हम यानी अच्छाई और बुराई में एकता। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने बालवीर। जैसे ही मैं तीन तक गिनती गिनूंगा
हम हमारे सुरक्षा कवच में घातक विस्फोट करेंगे जिससे लावा पुरुष फट जाएगा। और याद रखना, यह अच्छाई और बुराई की एकता नहीं, मजबूरी है। एक, दो, तीन। दीदी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं अरे बोलिए दीदी, होली खेलने के बदले आप ये समोसे की ट्रे लेकर कहाँ जा रहे हैं? विवान, होली तो हम हर साल खेलते हैं ना, और मम्मी हमारे लिए हर साल कोई ना कोई डिश बनाती हैं, तो इस साल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें एक सरप्राइज दूं, तो मैं उनके लिए समोसे लेके जा रही थी। ओ, दीदी आपकी ये बात सुनकर तो मेरा आटा बिल्कुल बटर की तरह मेल्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप माँ को जाकर ये समोसे खिलाइए और मैं अभी आता हूँ। विवान, शौर्य की मदद से ये खोजी यंत्र ठीक तो हो गया है, अब हमें जल्द से जल्द वो तीनों दुर्लभ कुंजियां ढूंढनी होगी। ठीक है, तो अब हम फिर से अलग अलग होकर उन तीनों चाबियों को ढूंढते हैं। इससे पहले कि ये लोग अपना यंत्र यूज करें, मुझे इस समोसा करुणा को खिला देना चाहिए। पचास, उनतालीस, अड़तालीस, सैतालीस। आंटी, आप प्लीज इंग्लिश में गिनिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितने सीटअप बाकी है और कितने नहीं है। क्यों, हिंदी में गिनती नहीं आती है? नहीं, मगर ठंडाई में पाउडर मिलाने आता है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग हम पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। माना कि हमने गलती की ठंडाई में पाउडर मिला के, लेकिन थोड़ी तो दया करो आप। मम्मी रुकिए, मेरी प्यारी मम्मी, ये देखिए मैंने आपके लिए समोसे बनाए हैं, चलिए अब इसे जल्दी से खा लीजिए, ये लीजिए। अरे वाह खुशी, असली और नकली में फर्क करना सीखो रे। मैं करुणा नहीं, भयमार हूँ। Oops, my bad. लेकिन एक बात तो माननी होगी तुम्हें भयमार, मेरी एक्टिंग कन्विंसिंग है, नो? अब यही अभिनय जाकर असली करुणा के सामने करो और जल्दी से उसे ये समोसा खिलाओ, समझे? All right, भयमार, relax. अगर तुम मेरे रास्ते के बीच में नहीं आए होते तो मैंने कब का ये टास्क पूरा कर लिया होता। ये क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? वो तीनों चाबियां बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। अब खुशी, मेरे कहने का मतलब था कि तुमने समोसे बनाए करुणा आंटी के लिए, मेरे लिए भी तो बना सकती थी ना, मैं भी तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ। नहीं अनन्या दीदी, मैंने ऐसा कब कहा, लीजिए ना आप भी समोसा खाइए। ओके, अनन्या दीदी आप ये वाला मत लीजिए, ये तो प्रैक्टिस समोसा था ना, आप ये वाला ले लीजिए, इसका शेप भी अच्छी है। लीजिए। ओके, पर खुशी अगर तुम्हें ये प्रैक्टिस समोसा किसी को खिलाना नहीं था तो तुमने इसे ट्रे में क्यों रखा? अरे वो अनन्या, एक्चुअली खुशी ने ये समोसा मुझे दिखाने के लिए रखा,
ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी प्यारी बेटी ने कितनी मेहनत की। सो स्वीट। बाय। नाइस सेव मॉम। एक मुसीबत से बचे नहीं कि दूसरी सामने आ गई। What to do now, bro? अब मेरे अभिनय का कमाल देखते जाओ और मेरा अनुसरण करते जाओ। ये कैसा समोसा बनाया तूने खुशी? हाँ, मेरी बेटी होते हुए तू ऐसा खराब समोसा कैसे बना सकती है? और होली के दिन कौन समोसा खाता है? हाँ? सॉरी मम्मी, अगर आपको समोसा नहीं अच्छा लगा तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। प्लीज रुकिए मम्मी। मम्मी दीदी, ये यंत्र अचानक खुशी दीदी की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।